अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का वर्कबुक वर्क करवाऊंगी। जैसे कि टेक्स्ट बुक वर्क और कॉपी वर्क एक जैसा होता है, जैसे कल मैंने आप लोगों को कॉपी वर्क सारा कंप्लीट बाइंड अप करवा दिया था, तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का वर्कबुक वर्क स्टार्ट करवाऊंगी। चलिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसे मैंने आपको कल दी थी। और आप लोगों ने अपना होमवर्क कुछ बच्चों अभी भी कम्प्लीट नहीं किया है ना, वो अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करें। देखिए अब आप लोग अच्छे मार्क्स कैसे लेंगे, आप लोग अपना काम भी कंप्लीट नहीं करेंगे जब आप लोगों ने अच्छे वर्जन के लिए अपना काम सारा कंप्लीट करना है। और आज का जो आपको होमवर्क दूंगी वो भी आप लोगों ने करना है। अच्छे बच्चे अपना सारा काम कंप्लीट करते हैं। ओके चलते हैं। पेज नंबर 134 है, देखिए अब पेज नंबर 134 आपके पास बहुत ईजी है, आपने मैचिंग करनी है। ये आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पर जाना है, टेक्स्ट बुक इस चैप्टर के सबकी इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, अब मुझे याद है ये आप लोगों को मैंने शुरू में जब कॉपी स्टार्ट की थी इंट्रोडक्शन में भी लिखवाया था। और पेज नंबर 135 में आप लोगों का इसी का इंट्रोडक्शन लगाया है। आगे चलते हैं पेज नंबर 132, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ये एक ही क्वेश्चन है जिसके 135, 136 है, उसमें आप लोगों के दो क्वेश्चन हैं, दो पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट करवाऊंगी। अगला पेज नंबर 137 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको टू पार्ट्स हैं, उसमें भी आप लोगों को वन पार्ट करवाऊंगी। फिर 138 में यानी हर एक पेज का निसफ पार्ट में करवा दूंगी, आगे आधे आपने करने होंगे। पेज नंबर 139 में भी आप लोगों को वन पार्ट करवा दूंगी। पेज नंबर 140 में भी आपको एक पार्ट करवा दूंगी। 141 में भी एक पार्ट करवा दूंगी। 142 में भी ऐसे करवा दूंगी। 143, 144 में भी करवा दूंगी। रिव्यू आप लोगों का होमवर्क होता है, जो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी डिफिकल्ट समझा दूंगी, बाकी आप लोगों ने खुद करने। चलते हैं फिर स्टडी कॉर्नर की तरफ। निकालें अपने बुक्स और पेंसिल। इसमें आपके पास टोटल 3 लेसन है, लेसन 1 है, लेसन 2 है, लेसन 3 है। लेसन नंबर 1 में आप लोगों ने आपके पास इसमें आप लोगों के लेसन 1 में टोटल आप लोगों ने 3 अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा के जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, तो आप लोग पूरा लेसन 1 कर सकते हैं। एक आप लोगों को ये आना चाहिए कि अगर आप लोगों को दो एंगल दिए हैं और एक फाइंड करना है तो क्या करना है। अगर आप लोगों को एक एंगल दिया तो दो फाइंड करने हैं, तो एक एंगल दिया एक फाइंड करना है और एक ऐसे ये तो क्या करना है। और अगर सिर्फ एक एंगल दिया और आपने बाकी फाइंड करने हैं तो आपने क्या करना है। ये वर्कबुक पेज नंबर 138 में आप देखें, ये देखें। अब एक आपके पास डायग्राम है, ठीक हो गया। अब आपको एक एंगल दिया हुआ है 120, दूसरा एंगल भी दिया हुआ है 27 डिग्री। अब आपने टोटल में से जो आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने शॉपिंग मॉल में गए, आपने ड्रेसेस खरीदे हैं, कुछ पिंक ड्रेसेस खरीदे हैं, कुछ ग्रीन ड्रेसेस खरीदे हैं, टोटल अमाउंट उनकी 1800 है। अब उन्होंने हमें ये बता दिया कि 900 की पिंक ड्रेसेस थे और हमने 9 ग्रीन ड्रेसेस के फाइंड करे, तो हम हमेशा टोटल में से माइनस कर देंगे। ऐसे हमें पता है साइज सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, 180 में से हम इन दोनों को जब माइनस कर देंगे वहाँ पास आ जाएगा 33 डिग्री। उस चीज़ का कंसेप्ट है जो दो एंगल्स को एक फाइंड करना हो। अब आप लोग पेज 136, 137 ऐसे टू टू लाइन्स के आंसर है वो आप लोग खुद कर लें। पेज 138 पे चले, देखिए पेज 138 पे अगर आप लोगों को एक एंगल दिया हो तो आपने बाकी कैसे फाइंड करना है। आप देखें इसकी एंगल, ये सेम एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल भी होगा। तो इस वजह से मैंने लिखा है 65 × 2। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 − 65 − 65। उसके बाद जब आपने टोटल अमाउंट में से 65 माइनस कर दिया, फिर ये आपके स्टेस हो जाएगा, फिर आपने आपके पास आंसर आएगा 115 जब 180 में से 65 को माइनस करके 115 में से दोबारा 65 को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 50। इसका मतलब है ये ए जो है ये 50 डिग्री के इक्वल है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर सिर्फ आप लोगों को एक दिया हो और आपने फाइंड करना तो आपने क्या करना है। एंगल डब्ल्यू आपने फाइंड करना है। अब देखें कि 180 में से अगर हम 90 माइनस कर देंगे, 180 में से अगर हम, हमें पता है ये और ये सेम है पर हमें किसी का भी नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है ये 90 डिग्री का है। अगर हम 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका और इसका दोनों को मिला के आएगा ना, तो अगर हम उस आंसर को 2 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें पता है दोनों सेम है इक्वल है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 180 में से हम 90 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा इन दोनों का आएगा, तो हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 2 को पर डिवाइड करने के बाद 90 को जो हम 2 पर डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, यानी ये भी 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का। अब इसमें आप लोग हमारे पास देखें वर्कबुक पेज नंबर 140 और 141 है। अब देखें अब ये
पेरिसेंट, दोनों पेरिस में आपके पास क्वेश्चन यही है कि आपने अननोन जो है आपके पास एंगल को आपने फाइंड करना है। और अब आप लोग देखिए, अब हर क्वेश्चन में ये लिखा है ए बी सी डी इज स्ट्रेट लाइन, जे के एल इज स्ट्रेट लाइन। तो मैं आप लोगों को एक बताऊंगी, तो आप लोगों को हाजिर दिमाग होकर सुन लें ताकि आप लोग बाकी वीडियोस आप लोग क्वेश्चन इतने आसानी से हल कर सकें कि आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। अब स्ट्रेट लाइन, आप लोग हर जगह देखा होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये वाला एंगल जो है स्ट्रेट लाइन की 180 डिग्री के बराबर है। अब एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल ए सी और डी, ये वाला जो एंगल है ना, ये स्ट्रेट लाइन को बना देंगे 180 डिग्री में से हम 50 को माइनस कर देंगे, ये इस एंगल को माइनस कर देंगे स्ट्रेट लाइन में से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 130। अब हमें पता चला है कि ये जो एंगल ए सी डी है ये सीरियस ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाले शेप के। अब इधर आपके पास एंगल आर है, आपने एंगल आर फाइंड करना है, तो आप एंगल आर को फाइंड करने के लिए अब देखिए इस पूरे में आपके पास 180 डिग्री 50 डिग्री था, जब आपने इसको माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री में माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास जब 180 में 30 को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। जब आप 50 को, अब ये 2 की वैल्यूज है ना, 50 2 दोनों का सम है, तो आप 50 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एंगल आर इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब उधर चलते हैं, अब देखें आप लोग वर्कबुक पेज नंबर 142 टू 144 में आप लोगों के पास यही आंसर जो मैं आप लोगों को कॉपी पे भी करवाया था कि आप लोग जे के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जे के की जो आप लोग लाइन लगानी है वो आप लोगों ने 7 सेंटीमीटर की लगानी है, के एल 4 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने के और एल के दरमियान का जो फासला रखना है वो आपने 4 सेंटीमीटर रखना है। अब आप इधर देखें, आपने इसको ड्रॉ कर लिया जैसे वो कह रहे हैं स्केच में, उसके मेजरमेंट्स के बगैर ड्रॉ किया, मगर जब आप कंस्ट्रक्शन के हेडिंग दे के कहेंगे तो आप लोगों ने इसको मेजरमेंट्स के साथ ड्रॉ करना है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं, ड्रॉ लाइन के एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे के एल की लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की। फिर आपने पॉइंट के टू जे आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है 7 सेंटीमीटर की। इधर आपने लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट पे, फिर आप 125 डिग्री एंगल का आप लोग इधर एंगल बना देंगे विद द हेल्प ऑफ योर प्रोट्रैक्टर। इधर आप आ जाएंगे 4 पॉइंट, वी गेट एंगल जे के एल विद गिवन मेजरमेंट। फिर आप जब इसको पूरा ड्रॉ भी कर लेंगे, आप इसके पॉइंट्स भी सारे जोड़ देंगे, एंगल भी बना देंगे, तो आपके पास एंगल जे के एल गिवन मेजरमेंट्स के साथ हो जाएगा। तो आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करने हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी किसी भी किस्म की क्यू या कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हैं। आज भी मैंने आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया है, जिन बच्चों ने अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क कंप्लीट किया है वो बच्चे ज़रूर कमेंट करेंगे दैट आई हैव डन माय होमवर्क। आप लोगों ने सही तरह मैथ्स को आप लोगों ने बिल्कुल भी आप लोगों ने डिफ़िकल्ट नहीं लेना है, ये बहुत ईजी है। आप लोगों ने जस्ट मेहनत करनी है और आप लोगों ने अपना मिशन रखना है कि आपके मैथ्स में बिल्कुल फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि मैथ्स आपकी परसेंटेज और पोजीशन पे बहुत रिफ्लेक्ट होता है। इसी वजह से अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए।